स्पाइनल इंजेक्शन की मदद से सियाटिका और कमर दर्द के बहुत सारे मरीज ऑपरेशन से बच सकते हैं। जैसा कि हम अपने पहले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सियाटिका के जो मरीज होते हैं या जिनको बहुत कमर दर्द रहता है, ऐसे 90% मरीज बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन सियाटिका के मरीजों को ठीक होने के लिए 6 हफ्ते से 3 महीने का वक्त लग सकता है। अब इस वक्त में अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो ऐसे मरीजों के लिए स्पाइनल इंजेक्शन एक बहुत ही अच्छा इलाज है। ऐसे ही जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से कमर में दर्द रहता है और उनको हम कसरत वाला इलाज बताते हैं, तो कई मरीज कसरत नहीं कर पाते, वो कहते हैं कि कसरत करने से हमारी कमर का दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसे मरीजों के लिए भी स्पाइनल इंजेक्शन का काफ़ी अच्छा रोल है। तो क्या होते हैं ये स्पाइनल इंजेक्शन, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। मोटे मोटे तौर पर स्पाइनल इंजेक्शन 2 तरह के होते हैं। एक जो इंजेक्शन नर्व के राउंड, जो नर्व स्पाइन में दबी होती है उस नर्व के राउंड दिए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एपिडुरल इंजेक्शंस। एपिडुरल इंजेक्शन देने के लिए 3-4 तरीके होते हैं। एक होता है सिलेक्टिव ट्रांसफोरामिनल इंजेक्शन, जो यहां से दिया जाता है। एक होता है इंटरलैमिनल, यहां से दिया जाता है। एक होता है कॉडल एपिड्यूरल, जो स्पाइन के नीचे से दिया जाता है। इसमें सबसे कॉमन, जो सबसे स्पेसिफिक है, वो है ट्रांसफोरामिनल इंजेक्शन, जो नर्व के बिल्कुल पास जाके दिया जाता है। ये बहुत ही सेफ और बहुत ज्यादा इफेक्टिव इंजेक्शन है। दूसरा, स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज जिनको कमर में दर्द रहता है, उनका दर्द आमतौर से जो कमर के जोड़ होते हैं, जिनको हम फैसेट ज्वाइंट्स बोलते हैं, इनसे आता है। जो इंजेक्शन इन फैसेट ज्वाइंट्स के अंदर दिया जाता है, उसको हम फैसटल इंजेक्शन कहते हैं। इस इंजेक्शन के दौरान आमतौर पर 2 दवाइयां मिक्स की जाती हैं, एक स्टीरॉयड की दवाई होती है और एक लोकल एनेस्थेटिक या बेहोशी करने वाली दवाई होती है। ये दोनों दवाइयों का मिक्सचर जब यहां दिया जाता है, तो नस के राउंड या इस जोड़ के अंदर जो सोजिश आई होती है, वो सोजिश कम हो जाती है और मरीज को दर्द में आराम मिलता है। तो ये इंजेक्शन कैसे दिया जाता है? आमतौर पर मरीज को हम 1 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती करते हैं, उसको सारा प्रोसीजर डिटेल में समझाते हैं, उसको हम ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, ऑपरेशन टेबल पे उल्टा लेटाया जाता है। फिर एक हमारे पास मशीन होती है जिसको हम कहते हैं सी आर्म इमेज इंटेंसिफायर, जिसकी मदद से हम जो हम अपनी रीढ़ की हड्डी के जोड़ हैं और नसें हैं, इनको हम देख सकते हैं। उस मशीन के की मदद से हमने मरीज की कमर पे जहां पे इंजेक्शन देना होता है, उस पोजीशन को हम लोकलाइज कर लेते हैं। मरीज की कमर को बीटाडीन सॉल्यूशन से साफ किया जाता है। फिर यहां पे इंजेक्शन देना होता है, उस एरिया को सुन कर लिया जाता है एक लोकल एनेस्थीसिया की मेडिसिन से। फिर एक हमारे पास स्पाइनल नीडल होती है, ये बहुत ही पतली नीडल होती है। इस नीडल के साथ हम इस नीडल को प्लेस करते हैं या तो जॉइंट में अगर फैसल इंजेक्शन देना हो, या उस नर्व के पास अगर हमें नस के राउंड एपिड्यूरल इंजेक्शन देना हो। फिर इस नीडल के जरिए एक डाई, जो हमें इमेज इंटेंसिफायर में दिख जाती है, वो डाई दी जाती है और हम नीडल की पोजीशन को कंफर्म करते हैं कि ये बिल्कुल सही जगह पे है। एक बार नीडल की पोजीशन 100% कंफर्म हो जाती है और मरीज बिल्कुल कंफर्टेबल होता है, तो स्टीरॉयड और लोकल एनेस्थेटिक का मिक्सचर वहां पे दे दिया जाता है। क्योंकि इस सारे प्रोसीजर के दौरान मरीज बिल्कुल अवेक होता है, उसको बेहोश नहीं किया जाता, इसलिए ये प्रोसीजर ऑलमोस्ट 99.99% सेफ है और इन इंजेक्शन के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मरीज अक्सर मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, इन इंजेक्शन का असर कितनी देर तक रहेगा? इसका कोई पक्का जवाब नहीं है। ये असर 1 दिन से लेके 1 साल तक रह सकता है, लेकिन हम इस इंजेक्शन से बहुत फायदा उठा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सियाटिका का दर्द ठीक होने में 6 हफ्ते से 3 महीने तक लग सकते हैं, लेकिन अगर हमने ये इंजेक्शन दिया और पेशेंट को आराम मिल गया, तो मरीज बिना ऑपरेशन के इन 6 हफ्ते से 3 महीने तक वेट कर सकता है। और आमतौर पर 90% मरीजों में इन 6 हफ्ते से 3 महीनों में जो शरीर है वो डिस्क की प्रॉब्लम को ठीक कर देता है और मरीज ऑपरेशन से बच जाता है। उसी तरह से जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होता है और फेस्टल आर्थराइटिस होता है, मतलब कमर के जोड़ खराब होते हैं, जब वो कसरत शुरू करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो कसरत नहीं कर पाते। ऐसे मरीजों में भी जब हम फेस्टल इंजेक्शन दे देते हैं, उनका कमर का दर्द कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाता है। और इस वक्त के दौरान अगर हम एक अच्छा कसरत का व्यायाम का प्रोग्राम शुरू कर देते हैं और मरीज के जो कोर मसल्स हैं, रीढ़ की हड्डी के राउंड जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, अगर वो मजबूत हो जाएं, तो उनको लंबे टाइम तक इस इंजेक्शन से आराम मिल सकता है। और
अगर ये इंजेक्शन से एक बार आराम मिल जाता है तो ये इंजेक्शन बड़ी सेफली एक साल में 2 से 3 बार दिए जा सकते हैं। ये इंजेक्शन बिल्कुल सेफ हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये इंजेक्शन एक वहां पे दवाई देने का जरिया है और हमें दर्द रहित जीवन जीने में मदद करते हैं।